नमस्कार, सौम्यास किचन कॉर्नर में स्वागत है आपका। आज की हमारी रेसिपी है स्वादिष्ट चटपटा प्याजी कटहल। आज हम प्याजी कटहल बनाएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम कटहल लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से छील लिया, साफ कर लिया और उसके बाद हमने इसे कट कर लिया। और काटने के बाद हमने इसे 2-3 बार पानी से धुल लिया। और धुलने के बाद हमने इसे इस तरह से पानी में डिप करके रखा है। काटने के बाद इसके बीजों को भी हमने छील लिया है और छीलने के बाद हमने इसे साथ में ही पानी में डिप कर दिया है। ये बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है, इसलिए हमने इसे पानी में रखा है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने ये 3 प्याज और 8-9 कलियां लहसुन की और 1.5 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है और 2 हरी मिर्च जिन्हें हमने एक साथ पीस लिया है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। प्याज अच्छी तरह से पक गया है, अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और नमक स्वाद के अनुसार, 2 चुटकी हींग डालेंगे। अब हम सभी मसालों को मिला देंगे, सभी मिलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे। हमने ये हरा प्याज लिया है, इसे हम ऐड कर देंगे। मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, इससे तेल बाहर निकलने लगा है। अब हम इसमें कटहल ऐड करेंगे। मिला देते हैं हम इसे अच्छी तरह से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसे पकने देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे हम 6-7 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अभी हम इसे और पकाएंगे। सात आठ मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं।
अब हम इसे खुला ही पकाएंगे, इसे ढकेंगे नहीं। अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, तो अभी हम इसे पकने देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिला देते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप यहाँ पे भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अभी हम इसे करीब 4 मिनट तक और पकाएंगे। हमारी सब्जी का पानी सूख गया है, अब हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। सब्जी हमारी अच्छी तरह से भून गई है, अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मिला देते हैं अच्छी तरह से और ये हमारा प्याजी कटहल बनकर तैयार है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। स्वादिष्ट प्याजी कटहल तैयार है, थोड़ी सी धनिया से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और थोड़ा सा हरा प्याज। तो ये हमारा स्वादिष्ट प्याजी कटहल तैयार है।